said, just to say to Baba that he asked me to come back and I came back in 2 months. You will come back in 2 months? She came back. I came back in 2 months. Mm. He asked me to come back. Yes. You came back in 2 months. Mm. Okay. And I stay until June, and then I have to go back and try and get long visa, and then I'm coming back in September. So you can tell him that. Baba was September ko maine 2 mahine mein aane unko aane ke liye bola to wo 2 mahine mein aa gaye aur abhi wapas ho ja kar ke 5 saal ka jo visa yahan rehne ke liye wo lekar ke fir wapas wo aayenge. Kaise visa liye? मैंने नहीं, अभी 6 महीना रहेगी. 6 महीना रहेगी, बाद में सितंबर में 5 साल का वीजा के लिए अप्लाई करेगी. 5 साल का वीजा लेके फिर आएंगे. अच्छा. I arranged everything so I could come. वो अपना सारा अरेंजमेंट करते हैं. ठीक है. आपको भी 5 महीने में पता लग जाएगा आप कितना एडजस्ट हो सकते हैं. यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड. पिछली बार उन्होंने in 2009 यू हैव सीन बाबा. 2009 में उन्होंने आपसे मैंने आपसे भेंट किए थे. आपको उन्होंने देखा था. देन एट 2000 व्हाट यू से. नो आई से बाबा लास्ट वीक व्हेन आई सॉ इन 2009 एंड नाउ बाबा इज नॉट. हां बाबा आपका वजन बहुत कम हो गया है अभी. हाँ 2009 में जब देखा था बाबा को तब अभी आपका वजन बहुत कम हो गया है. अच्छा. इट इज गुड. नो इट इज गुड. नो बाबा से इट इज गुड. अच्छा है बोल रहे हैं. पतला रहना अच्छा है. तो डॉक्टर लोगों को पता होगा कि सॉलिड है या नहीं है. डॉक्टर्स दे शुड नो. दे विल नो. जूड़ी माता को पता होगा ना. ये भी तो जूड़ी माता विल ऑल्सो नो दैट इट इज गुड और नॉट. इज फिट और नॉट. ज्यादा है कम है. इट्स गुड गुड टू लूज वेट. इट्स गुड टू हैव अ गुड लेस वेट. ये अच्छा है. थोड़ा सा वेट कम होना अच्छा है. Well, I saw him only a few months ago. He doesn't look too different to me. उन्होंने कुछ महीने पहले जब आपको देखा था वो ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है. But Roshni Mata hasn't seen him for 18 months. हाँ, वो 18 महीना पहले उन्होंने देखा था, इसलिए उनका अंतर लग रहा. रजनी माता अभी थोड़े दिन पहले होकर गए थे ना. दो महीने पहले. 2 months बिफोर. नहीं, रजनी माता जी बहुत दिन हो गए ना. बहुत दिन हो गए, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आपका वजन कम हो गया. उन्होंने थोड़े महीने पहले अभी देखा ना, इसलिए उनको भी ज्यादा अंतर नजर नहीं आता. आत्मा का वजन बढ़ता रहे. द सोल वेट शुड इंक्रीज. प्रश्न पूछ सकते हैं? यस यू कैन. चाहते इसलिए हैं बाबा. यू कम हियर फॉर दैट ओनली. पूछना किसी बाबा. नहीं देखने के लिए नहीं. क्या पूछ. कुछ अंदर अंदर बातें चलती हैं, मंथन चलता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्या राइट है क्या रंग है. वो उसको वेरीफाई करने के लिए आते हैं. इन इन इनसाइड योर सेल्फ यू हैव सम थिंकिंग इज गोइंग ऑन, चर्निंग इज गोइंग ऑन. यू टू क्लैरिफाई दैट यू कम हियर. क्वेश्चन प्रश्न सारे एक साइड एक तरफ रख करके मैं केवल बाबा को देखना चाहती हूँ बोलते हैं. Because these questions are so not little, you get the answers, you know, you get the answers in Baba's clarification mode. And sometimes the mind, the intellect teaches us, give us the answer. ये क्वेश्चन व्हाट यू सेड द क्वेश्चन सुना. दिस क्वेश्चन सुना लेटर आई कैन गेट दिस आंसर्स फ्रॉम बाबा. इन प्रश्नों का जवाब तो हम बाबा के मुरली से मुरली के क्लैरिफिकेशन से भी पा सकते हैं. एंड समटाइम्स द इंटेलेक्ट आल्सो फिट्स यू. हाँ, और बुद्धि में भी कभी कभी उसके जवाब आ जाते हैं, वो भी फिट करते हैं उस अनुसार से. ओके दिस
It is said next to father is Prajapita, next to father is Krishna, next to father is Shankar, next to father is Narayan. Yeah. But why isn't it said next to father is Ram? Next to God. Next to Shiva. Next to Shiva is Prajapita, next to Shiva is Krishna, next to Shiva is Shankar, next to Shiva is Narayan. Kyo nahi bolo next to father is next to Shiva is Ram. Next to Shiva Ram ko kyo nahi kehte? Prajapita ko kehte hain aur Krishna ko kehte hain. Ram to fail ho gaya tab Ram naam pada na. When Ram failed, then he has got Ram, the name Ram. So when Ram failed, his name never comes next to Shiva, is it? इसलिए मैंने राम फेल हो गया इसलिए उनका नाम शिव के बाद नहीं आ सकता है यही सही है नहीं नो राम को मोस्टली त्रेता में रखते हैं राम त्रेता में तो दो कलाएं कम हो जाती है राम इज केप्ट इन त्रेता एंड इन त्रेता टू सेलेस्टियल्स गॉट लॉस्ट Because Ram has got, Ram has lost his celestials. That's why. So he's not kept next to Shiva. Yes. But when we say next to Shiva is Prajapita. Prajapita is body, is the sinful part, but still he came next to Shiva. Prajapita is? Prajapita is the sinful part. Sinful part. अच्छा मैंने next to Shiva is Prajapita. Is the sinful part. Prajapita is the sinful part. मैंने उनका जो है वो पतित part बताया गया है Prajapita का. पतित सृष्टि है तो पतित बाप है बाप बीज पतित है तो सृष्टि पतित है बीज पावन है तो सृष्टि पावन है इट डिपेंड्स ऑन द सीड व्हेन द वर्ल्ड बिकम सिनफुल देन द बीज पतित है तो सारा झाड़ पतित है व्हेन द बीज पावन है तो सारा झाड़ पावन है व्हेन द सीड बिकम्स Sinful means seed becomes degraded, then the whole tree becomes degraded. And when the seed is, means it becomes pure, then the tree also becomes It is said that Maya Ravan surrendered first. Maya surrendered her intellect first. Maya surrendered her intellect first. Maya apni buddhi ko pehle surrender karti hai. And so she must come in the rosary of 100 days. इसलिए उनको 108 की माला में भी तो आना चाहिए. Maya बीज रूप में भी है Maya आधार मूर्त में भी है कौन सी माया की बात करेंगे माया इज इन द सीड सोल्स आल्सो इन द रूट सोल्स आल्सो देयर इज माया सो हु आर टू व्हिच माया यू आर टॉकिंग यू सी द रोजरी ऑफ रुद्रा ऑल आर इनकॉर्पोरियल रोजरी ऑफ रुद्रा द 108 रोजरी ऑल इनकॉर्पोरियल फॉर्म सो आई कांट बी टॉकिंग टू द माया ऑफ द बेसिक नॉलेज यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बेसिक आई एम नॉट रेफरिंग टू द माया ऑफ द बेसिक नॉलेज बिकॉज़ शी डजंट हैव अ कॉर्पोरियल बॉडी यस यस मैंने उनके शरीर के रूप से तो मैंने रुद्र की माला में आने वाले जो है वो कॉर्पोरियल फॉर्म में तो शारीरिक रूप से तो रुद्रमाला में ही रहते हैं ना इसलिए हम आधार मूर्तों की बात नहीं कर रहे हैं बीज की बात कर रहे हैं तो रुद्रमाला का मूर्त हमें तो इस्लाम धर्म का बीज है इससे तो माया की शुरुआत होती है इन रुद्रास रोजरी देयर इज द सीड ऑफ इस्लाम दिस इज कॉल्ड माया एंड फ्रॉम दैट द माया स्टार्ट्स माया बिगिंस फ्रॉम देयर But then there's a Maya in the PPK world. Advanced party, there's a Maya seed form. Huh? There's a Maya in the seed form in the advanced knowledge too. Maya is in the seed form in the advanced knowledge too. Advanced knowledge में बीज रूप में भी माया है ना माया है क्या? Mm-hmm. Yes. So I want to know whether she will come. She is the Maya who will surrender her intellect first. Hmm? वही माया है ना जो वो माया ही सबसे पहले अपनी बुद्धि को सरेंडर करेगी ना? हाँ जी. Yes. So will she come inside the Rudra of 108 or not? Rudra Mala of 108? उनके बारे में वो बात कर रहे हैं कि वो सरेंडर करने वाला है 100% बुद्धि सरेंडर हो जाए 100% सरेंडर तो करते हैं लेकिन 100% कोई भी सरेंडर नहीं करते
Everybody surrenders. So many surrender, but 100% nobody surrenders. No, but then the rosary of Rudra, you see the rosary of 108, all those which surrender are not 100%. Rudra, in Rudra's 108. Yeah, all those who surrender are not 100%, is it? 108 की माला में जो लोग भी सरेंडर हुए हैं वो सारे 100% नहीं है, यही है ना पूछ रहे हैं? No. I want to know whether that Maya in the advanced knowledge, will she come inside the rosary of 108? वो वही बात पूछ रहे हैं कि माया जो रुद्र माला में जो माया है वो 108 की माला में आएगी या नहीं आएगी? Huh? Yes, she will come. She can. She will come in the 108 rosary. But she will be under which realm? Veda, na? Because she is the seed. She is the seed. Islam religion. Because Islam religion seed is. Maya ka rajya shuru hota hi hai bij roop ke karan. Maya's kingdom starts because of that seed soul. Maya ka rajya dwapar se shuru hota hai. Dwapar mein seed chahiye. Maya's kingdom starts from the copper age, and in the copper the seed is necessary to start the kingdom. So Maya comes from Islam religion. Yes, yes. Maya Islam religion se hi. Ha ha. Supreme Kanta. Supreme Kanta. Prem Kanta hai kya puchh rahe ho? Yoga Maya. Yoga Maya. Uska wo jo serial banaya gaya tha basic mein yog kya hai? एक योग का सीरियल बनाया गया था, उसमें प्रेमकांता को बार बार दिखाया है उन्होंने, बहुत जबरदस्त योग युक्त चेहरा दिखाया गया है द सीरियल। बाद में वो फिल्म खत्म कर दी उन्होंने। द सीरियल इज प्रिपेयर्ड, इन दैट सीरियल द प्रेमकांता फेस इज शोन सो ब्राइटली एंड आफ्टर दैट लेटर दैट पिक्चर इज फिनिश्ड। एडवांस आने के बाद वो सीरियल उन्होंने खत्म कर दिया। When she came to the advance, then that serial is also finished. And where is she now? वो अभी कहाँ है? On. Prem Kanta. In Delhi. So she will come back. वो वापस आएगी. वो आएगी तो सारा काम होगा, वो surrender होगी, तो सारे surrender हो जाएंगे. When she will come, then every work will be done. When she will surrender, then all will be surrendered. I thought Brahma must become perfect first, not Maya. What? Baba only says when Brahma becomes perfect, then all the children will become perfect. बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा ने तो बोला था कि ब्रह्मा जब परफेक्ट हो जाएंगे तो बाकी सारे परफेक्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा की बुद्धि को ही तो उसने कैप्चर कर रखा है। He has Maya has captured the Brahma's intellect. So Maya surrender first, then Brahma will come. Brahma will come. बाकी ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। All but rest are the children of Brahma. So what you are there? You told? पहले तो surrender Maya ही होती है, जगदम्बा भी नहीं होती। At first Maya herself surrenders, then Jagdamba. But first Maya will surrender. Maya surrender. In the beginning she surrendered. And they must know each other, Jagadamba and Maya. They must know each other. वो आपस में जानते हैं माया और जगदम्बा। सभी जानते हैं, mostly जानते हैं। Maya and mostly know. Work together, don't they? Maya and Prakriti. Advanced audience, सभी जानते हैं। What do you say? Maya and Prakriti, the nature, work together. Yes, Maya and Prakriti. आधार मूर्ति में कौन है उसको भी जानते हैं, बीज रूप में कौन है उसको भी जानते हैं। They know who will come in the root soul and who will come in the seed soul. They know. वो जानते हैं। कौन? मैंने आप बोले ना जो बेसिक वाले नहीं जानते। वो तो नाराज होंगे, क्या माया बता दिए। कौन जानते हैं? एडवांस वाले। हाँ, एडवांस, द एडवांस सोल्स, the souls of advanced knowledge, they know who belong to. No, that's not what I'm. I just was listening to the question. And yes. I was just thinking that I heard that Jagadamba, Mummy and Maya get to know each other. They know each other, or they will meet with each other and pair up, or
मैंने उन्होंने महाकाल जगदम्बा और माया दोनों मिलेंगे और महाकाली बनेंगे। मिलेगी क्या, मिल गए, हाथ मिला लिया। अगर तुम्हारी इन अव्यक्त वाणी इट इज टोल्ड दैट दे विल नॉट मीट, ऑलरेडी दे हैव मेट बट दे मीट अप अगेन लाइक दे गेट टू नो इट they met but they meet up again. You are asking practically, is it? Yes, practically. Practical रूप से वो लोग practical में तो आधार मूर्त में तो माया शरीर छूट चुका है. The sixth form of Maya and Jagadamba is it? What she is asking whether they meet practically or not. मैंने वो बीज रूप की बात कर रहे हैं जगदम्बा और वो बीज रूप की जो बीज रूप का भी पता नहीं है लेकिन अंदर अंदर मिल चुके हैं. It is not known externally, but internally they have met already. Yes. Jagdamba. All those in 1983 or before. Don't know. But what I'm saying is they've already met. They know each other. But someone told me that they meet up again before Mummy comes back into the, back to the yagya. They meet again and they pair up. That's what I'm saying. वो practically मिलेंगे बोल करके उन्होंने सुना, उन्होंने सुना. Practically मिलेंगे माना practical में तो अभी बीज रूप में है. बीज रूप. Practically. आधार मूर्त में तो शरीर छोड़ गई तो उसको तो ज़्यादा knowledge हो गई. In the root soul Maya, she has left body. That is different thing. Oh, she's left the body. Strong now. She knows everything. In the root soul, in the root soul, the Maya that she has so much knowledge and she has left body. Dadi Kumarka. No. No, I'm not talking about the root souls. I'm talking about the seed, the beech root, the seed souls. Beech root की ही बात कर रहे हैं कि जगदम्बा और माया जो हैं वो practical में मिलेंगी बोल करके फिर वो आके they will meet practically. That's right. Well, that's what the sisters have been saying. That they meet up and. बहनों ने उनको बताया, वो दोनों ने बहनों से मिले तो उन्होंने बताया कि वो दोनों मिलेंगे. Checking that. Yes. दोनों का कार्य का काफी एक जैसा है. माया भी छोड़ देती है, करेंट डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो जगदम्बा भी डिस्कनेक्ट हो जाती है. दे हैव बोथ हैव डन द सेम डीड. माया इज ऑल्सो डिस्कनेक्टेड एंड जगदम्बा इज ऑल्सो डिस्कनेक्टेड. दुनिया की नजर में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अंदर से तो याद करते रहते हैं. इन द वर्ल्ड व्यू दे हैव डिस्कनेक्टेड बट इंटरनली दे ब्रह्मा दादा लेखराज ब्रह्मा भी बीज रूपी माया के साथ में मिलेंगे. मिलेंगे क्या, ब्रह्मा को तो ब्रह्मा की तो प्रवेशता ही होती है जगदम्बा में. ब्रह्मा इनकार्नेट्स इनटू द जगदम्बा स्पेशली. और बाकी रुद्रमाला के सभी बच्चों में ब्रह्मा प्रवेश करता है. इन रुद्रमाला इन एवरी सोल ब्रह्मा एंटर्स. सो ब्रह्मा ऑल्सो मीट थ्री सोल्स मीट इज इट. सो ब्रह्मा जगदम्बा एंड माया फॉर्म ऑफ माया थ्री ऑफ दम विल मीट. जगदम्बा माया और ब्रह्मा तीनों ही मिलेंगे बोल रहे हैं. It's the same question as I asked. No, because you want to know only Jagadamba. Yes, the Brahma Babas is Jagadamba. That's right. Brahma Baba Jagadamba are the same, one and the same. Brahma incarnated into Jagadamba. Baba said that Jagadamba and the Maya, they will meet practically also. They have met internally. That's the same question. They have met internally and they will meet externally. So that is called Mahamaya. There's a term Mahamaya. Mahamaya, Yoga Maya. Mahamaya means is who the combination of a combination of both. Both three. मतलब वो तीनों का मिलन. तीन कहाँ जाए, जगदम्बा practical में है और practical में बीज रूप माया है. जगदम्बा is in practical and in seed form Maya is also in practical. ब्रह्मा तो है ही नहीं. ब्रह्मा is not there. Yeah, but the soul, his soul is there. His meeting a soul. मैंने वो आत्मा तो है ना, आत्मा से तो मिलते हैं ना. कौन देखेगा? Who will see that? Who will see that they are meeting or not? We are not seeing, but then this is knowledge, right? We are all. I mean, this is what advanced knowledge says. You know, we are not seeing practically, but we want to know whether Brahma is involved in this Mahamaya's work or not.
मैंने वो बोल रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा तो एडवांस नॉलेज में तो हम सारा प्रैक्टिकली तो हम जानते हैं ना कि वो मिल रहे हैं, तो ब्रह्मा वो ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा भी इसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ब्रह्मा के शामिल हुए बगैर जगदम्बा रूपी डब्बा कुछ नहीं कर सकता है। द बॉक्स ऑफ जगदम्बा कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंक्लूडिंग ब्रह्मा। मुरली में बोला हुआ है, वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। एक्चुअली दिस ब्रह्मा इज योर जगदम्बा, बिकॉज ब्रह्मा इंकार्नेट्स इन टू जगदम्बा, जगदम्बा इज ओनली द बॉक्स, व्हेन ब्रह्मा एंटर्स देन शी कैन बी। दैट क्वेश्चन यू हैड दिस मॉर्निंग अबाउट ब्रह्मा बाबा इंटरफियरिंग, यू फील दैट ब्रह्मा बाबा इंटरफियर्स क्वाइट अ बिट एंड पुट्स आइडियाज इन व्हेन बाबा स्पीकिंग द मुरली। You should clarify that with Baba. But Baba is already saying no, Brahma interferes in everyone's knowledge, so I don't have to ask Baba again. But how much does he interfere? That is not necessary. Whether he interferes little or a lot, it doesn't matter. Because he's still interfering, right? वो कितना इंटरफेयर करते हैं, उन्होंने सुबह ही मुरली में बच्चा बुद्धि है तो जितना कर सकता है उतना ही करेगा ना। He's controlling Jagdamba. As much as he can, he has childlike intellect. So as much as he can, he interferes that much only. That much percent he can interfere. How do we know when he's interfering? हम कैसे जान सकते हैं? शिव बाबा का प्यारा बच्चा ब्रह्मा है। शिव बाबा's lovely child is Brahma. ये नहीं कहा प्यारा बच्चा प्रजापिता है। It is not said that the loveliest child is Prajapita. We just were discussing this morning. That's why. और ये पूछ रहे थे माता जी कि हम कैसे जान सकते हैं कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं किचन में। कुछ तो मुरली में स्पष्ट आता है, दो विरोधी वाक्य आ जाते हैं उनमें देखा जा सकता है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन टू अपोजिट सेंटेंसेस कम इन द मुरली, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट ब्रह्मा इज इंटरफेयरिंग। एक तरफ मुरली में आता है नारायण तो समझदार है तब तो विष्णु का मालिक है, पर दूसरी तरफ मुरली माता नारायण तो बुद्धू है, वो तो कुछ जानता ही नहीं ज्ञान को। एट वन साइड जानते हैं सभी में तो बुद्धू होंगे, समझदार नारायण का थोड़े ज्ञान है। एट वन साइड इन मुरली इट इज सेड दैट नारायण इज वेरी इंटेलिजेंट, ही नोज एवरीथिंग, ही विल बिकम द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। Then in the next sentence, it is said that the Narayan is the Buddhu. Buddhu means dull intellect, and he don't what he will know. He will not care. So two opposite sentences. So through that, the Brahma Baba knows that he will come into the golden age. So he will know. He will not know anything there. That's why. And here he will get the emperor. Shiva Baba's lovely child is Brahma. Prajapita Brahma कभी लवली चाइल्ड नहीं बोला। It is not said anywhere that Prajapita Brahma is the lovely child. It is said that Brahma is the lovely child. Then why didn't make Brahma his appointed chariot? Why didn't Shiva make Brahma his appointed chariot? तो उन्होंने ब्रह्मा को क्यों नहीं अपना रथ बनाया शिव बाबा ने? प्रजापिता को क्यों बनाया, ब्रह्मा को क्यों नहीं बनाया अपने पद में? बच्चा बुद्धि, बिकॉज ही हैज चाइल्ड लाइक इंटेलेक्ट, दैट्स वाई। ब्रह्मा इज द लवलीस्ट चाइल्ड बट ही इज चाइल्ड लाइक इंटेलेक्ट, दैट वाइज शी रेंटेड द चैरिट ऑफ परमानेंट चैरिट ऑफ ब्रह्मा। One couple that is Nar to Narayan and Nari to Lakshmi perfect. I mean, Shiva came to this world to make one couple that is Nar to Narayan and Nari to Lakshmi perfect, and then he leaves. One couple? Yeah, Shiva came to this world to make a couple that is from Nar to Narayan and Nari to Lakshmi perfect, and then he will leave. This is one clarification. शिव जो है वो एक कपल को, एक जोड़ी को परफेक्ट बनाते हैं, फिर चले जाते हैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, एक जोड़ी को परफेक्ट बनाते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसा एक मुरली में बोला है।
एक सीढ़ी में हिल रहा है. एक आप समान एक एक को बनाया आप समान बाबा का काम खत्म. ओनली वन कपल विल मेक लाइक हिमसेल्फ देन बाबा वर्क विल फिनिश. वर्क विल फिनिश. सो आफ्टर ही मेक्स द फर्स्ट कपल इंटू लक्ष्मी नारायण ही विल लीव. यस. सो व्हेन ही लीव्स व्हाट अबाउट द 450,000 बिकॉज ओके सॉरी आई चेंज माय क्वेश्चन. आफ्टर ही लीव्स इट इज सेड दैट शिव बाबा गिव्स इनहेरिटेंस थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा. सो आफ्टर ही लीव्स he makes them perfect, then who will give the inheritance to the 450,000 direct inheritance? Then means when Shiva Baba will left, then after Shiva Baba leaves, he makes the first couple perfect. Yes. Then after he leaves, who will give direct inheritance to the 450,000? Direct inheritance. Yes. माने वो अगर चले जाएंगे तो directly माने directly कौन देगा inheritance 450,000? शिव शंकर एक ही तो हो गया. शिव शंकर will become one. But he already left. Shiva already left. What? Shiva is already left. Yes. Shiva तो already चले जा चुके हैं ना. जा चुके हैं तो वो शंकर याद तो कर सकता है उसे. शंकर कैन रिमेम्बर हिम. शंकर कैन रिमेम्बर द. तो मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ. एज मच एज यू रिमेम्बर मी दैट मच आई एम विथ यू बाबा जी. अब वो निरंतर याद करेगा तो निरंतर साथ. ऑल द टाइम इफ ही विल रिमेम्बर देन ऑल द टाइम द शिवा विल बी विथ हिम. सो द फर्स्ट कपल ओनली गिव. So the first couple only get direct inheritance from Shiva. The rest don't receive. So इसलिए केवल पहली जोड़ी ही direct जो वर्षा ले सकती है शिव से. बाकी 450 को direct तो वर्षा नहीं मिलेगा ना. कुछ विश्व की बादशाही एक चला सकता है क्या अकेला? सहयोग नहीं चाहिए? असिस्टेंट नहीं चाहिए? Assistants are also required. The only one cannot do the emperorship of the world. I don't understand because I'm confused. I want to know Shiva will leave after he makes the first couple perfect. Yes. Leave already. Yes. So how the rest will get direct inheritance? Huh? Direct Varsha, बाकी लोग कैसे पा सकेंगे जब शिव 100% नहीं पा सकेंगे. 99% पाएंगे या 98% पाएंगे? 100% all others will not get the 100% inheritance. 99% or less percent. So Shankar only. नहीं. शंकर के द्वारा पाएंगे. नहीं, शिव बाबा की याद से. Through the remembrance of शिव बाबा. वो तो प्रवृत्ति की याद है ना. That is the remembrance of साकार निराकार दोनों की याद है. The remembrance of corporeal and incorporeal both. Because Baba is saying that as much as you remember Shiva, that much is Shiva is with you. But Shiva has left already. Shiva is already left, but in the remembrance, as much as you remember, he is Shiva with you. Practically is not. In. But practically, he made him same, ne? Shiva and Shankar both become one in the remembrance only. Baba is saying that through the remembrance only, that as much as you remember, that much I am with you. So he left. Even Baba has said in the Murli that from Shiv Baba, Prajapita gets the inheritance, and from Prajapita, Jagdamba gets the inheritance, and from there, everyone gets it. Right? But you're talking in the past tense. Shiv has already left. He hasn't left yet. He's still here. You're talking in the past tense. No, she is asking about that. When when the Shiva will left, yeah. Then when, what about the others? When she tense. Yes. ये भी तो बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना. इट इज ऑल्सो सेड दैट द गुड एफर्ट इज टू रिमेम्बर द नारायण. इट इज ऑल्सो सेड इन द मूवी बिकॉज नारायण बिकम्स नारायण मीन्स द स्टेज इज इक्वल टू शिव बाबा. उनका स्टेज जो है वो शिव बाबा के साथ समान है. नारायण जी शिव शंकर एक हो जाते हैं. शिव एंड शंकर बिकम वन. व्हाट अबाउट नारायण स्टेज? नारायण की स्टेज के बारे में. नारायण तो साकार है. शिव और शंकर ये तो निराकारी स्टेज वाले हो जाते हैं. नारायण इज इन द एक. नारायण इज इन द कॉर्पोरियल फॉर्म एंड शिव एंड शंकर दे बिकम द इनकॉर्पोरियल फॉर्म निराकारी. नारायण को कहेंगे 16 कला संपूर्ण.
कलातीत नहीं कहेंगे, शंकर तो कलातीत हो जाता है. नारायण इज हैविंग 16 सेलेस्टियल बट शंकर ही इज द बियॉन्ड द सेलेस्टियल. कृष्णा शिव शंकर बियॉन्ड द कला. शिव शंकर दे आर बियॉन्ड द सेलेस्टियल. सो नारायण इज 16 सेलेस्टियल. हाँ नारायण इज 16. व्हाट अबाउट कृष्णा? कृष्ण के बारे में? कृष्ण उसका बच्चा भी 16 का संपूर्ण. His child is also 16 celestials. 16. Then why didn't say the perfect stage is Krishna and then Narayan? It's what I mean, 16, is it? Mm. Then why didn't say the perfect stage? Why didn't say Nar to Krishna? Nar Krishna ko क्यों नहीं बोला गया? मैंने कृष्ण को क्यों नहीं बोला, कृष्ण को क्यों नहीं बोला गया कि वो भी 16 कला संपूर्ण है, नारायण भी 16 कला संपूर्ण है. Then what you said? Both 16, right? Then why didn't say Nar to Krishna? If they said Nar to Narayan, why didn't say Nar to Krishna? Yes, Nar se Krishna bol ke kyun nahi kaha gaya? Nar se Narayan. Krishna is the prince. Krishna is the prince. Narayan is not prince. He is direct Narayan banta hai. Prince banne ki darkar nahi. Isi janam mein. In this birth only, he becomes direct Narayan. From Nar to Narayan he becomes directly. But Krishna, he becomes first prince. Bacha banega. Paida hoga. He will take birth, become child. And Narayan, he will become direct Nar to Narayan. Ek hi janam mein. In one birth only. Nar to Narayan, it is only in one birth only. Nar to direct Narayan. But Krishna, he will become prince first. Become child. Then he will grow up and Narayan direct Shiv se banta hai. Directly, through the direct Shiv. A person to Narayan se janm leta hai. Krishna takes birth from Narayan. But Narayan, he become Narayan from directly Shiv. नारायण के वाइब्रेशन के संयोग से कृष्ण का जन्म होता है. थ्रू द नारायण के वाइब्रेशन के संयोग से. थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ लक्ष्मी नारायण द कृष्ण टेक बर्थ. कृष्ण टेक बर्थ. In one city, a brother asked, Prajapita died a natural death. Prajapita? Died a natural, Prajapita in 1936, Sevakram became Prajapita in 1936, and he died a natural death. In 1942, he died a natural death. Prajapita died a natural death. मैंने 1936 में सेवक राम को जब प्रजापिता टाइटल मिला, फिर 1942 में टाइटल नहीं मिला, मैंने सेवक राम ही प्रजापिता कहलाए. सेवक राम प्रजा वाट यू सेड सेवक राम बिकम प्रजापिता. नो इन 1936 प्रजापिता वाज वन ब्रदर आस्क्ड वेदर ही वाज मर्डर्ड और वेदर ही हैड अ नेचुरल डेथ. मैंने 1942 में जब प्रजापिता की जब मृत्यु हुई तब वो प्राकृतिक रूप से मरे या फिर उनका मर्डर किया गया. एक भाई ने पूछा उनको सीढ़ी में, जब सच्चाई में और झूठ में युद्ध होता है तो एक तरह की लड़ाई हो गई, वार हो गई, वार. और वार में जो योद्धा सच्चाई के लिए लड़ रहा है, लड़ते लड़ते मारा जाता है, तो उसको ईविल सोल नहीं बनना पड़ता. इट इज वन टाइप ऑफ वार, मीन्स वार फॉर ट्रूथ. सो इन द वार ऑफ ट्रूथ व्हेन एनीबडी डाइज देन ही विल नॉट बिकम द ईविल सोल, विल गेट टेक बर्थ. उसके अंदर भाव रहता है हम श्रेष्ठ काम के लिए, विश्व कल्याण के लिए हमने शरीर छोड़ा, और सारी काम अगले जन्म में पूरा करेंगे. बिकॉज हिज इंटेंशन हु डाइज हिज इंटेंशन शुड बी देयर इन द हिज इंटेंशन इज देयर दैट ही विल आई विल फुलफिल माय इंटेंशन इन द नेक्स्ट बर्थ.
No, actually I wanted to ask, actually Prajapita was murdered. The answer given was yes, Prajapita was murdered. वो बोल रहे हैं नथली कि मैंने एक भाई ने सीढ़ी में ये पूछा था बाबा से, तो बाबा ने उसका जवाब दिया था। कोई किसी को मार भी दे लेकिन सच्चाई के लिए अगर मारा गया तो युद्ध करते करते मारा गया ना। सो इन द वार ऑफ ट्रूथ सो इन दैट फील्ड ओनली ही हैज मर्डर्ड। मर्डर्ड मीन्स इन द वार हिज डेथ हैज ऑकर्ड बट आफ्टर दैट डेथ ही हैज नॉट टेकन ही हैज नॉट बिकम द इविल सोल बिकॉज ही Only murdered or not? Baba is saying that murder उसे कहा जाता है। murder उसे कहा जाता है जो दो आपस में लड़ते हैं, लड़ने वाले दोनों जानते ही नहीं है क्या, वो एक हट करते हैं हमारी सच्चाई ये है, हमारी सच्चाई ये है, इसलिए हमने इसको मार डाला, लेकिन वास्तव में दोनों नहीं जानते हैं सच्चाई क्या है। murder is called in that case when two people fight and two people they don't know that that what is truth. They both think this is truth. That's why I have killed you. So in that case, it is called murder. You understood? Got the point? Mm-hmm. Actual truth, they don't know both of them. Then in that case, it is called murder. Actually, I want to ask you what truth was. She has said, she not said that it is his responsibility to take care of the child. Murdered. She murdered us. Now she's asking me, but what did Baba say? Baba says you don't know because once you someone is fighting for truth and who is right or who is wrong, don't know. And so we don't actually know the truth. That's funny. Why? What do you say? Because Shiva says that it is Shiva's responsibility to take care of the chariot. Shiva's responsibility is to take care of chariot. To take care of the chariot and we don't have to worry. Yes. So how can Shiva let that happen to Prajapita? मैंने ये तो बोला गया है ना कि शिव अपने रथ की संभाल खुद करते हैं बोल करके, उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर शिवा कैसे ये प्रजापिता के साथ कैसे ये कैसे किसने कहा कि शिव अपने रथ की खुद संभाल करते हैं, इसकी अपनी जिम्मेवारी ये कौन सी मुरली में कहा? इन विच मुरली इट इज सेड? इन सकार मुरली। नहीं बाबा तो कहते हैं रथ से संभाल करना चाहिए तुम बच्चों को। यू चिल्ड्रेन हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट चाइल्ड, टेक केयर ऑफ। शिव का कोई हिसाब किताब है जो संभाल करेगा? शिवा हैज नो कार्मिक हिसाब किताब। हम बच्चों का है या शिव का है? द कार्मिक अकाउंट्स ऑफ अस चिल्ड्रन नॉट द शिवा। अगर कार्मिक अकाउंट्स आर विद दैट चैरियट, we have to take care of that chariot, not it is the not the responsibility of Shiva to take care. But Shiva said not a hair Shiva said that not a hair will be destroyed. In Sakar Murli it is said not a hair will be destroyed, not a hair bal will be destroyed, not a hill not a hair will be destroyed. अच्छा मैंने वो बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई, मैंने शिव ने कहा ये निश्चय होना चाहिए। दैट मच फॉर्म ही शुड, दैट मच फॉर्मनेस ही शुड इन द चैरियट, यू शुड हैव फॉर्मनेस दैट चैरियट, इफ दैट चैरियट हैज दैट मच फॉर्मनेस इन हिम देन शिवा विल हैव टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मच फॉर्मनेस दैट चैरियट शुड हैव। From the chariot side also. When it is said Krishna becomes Kans, is it Brahma Dada Vikrash or the Sambhumi Krishna who becomes Kans? Krishna ही कंस बनता है, ये किसके लिए बोला गया है? राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। राम ओनली बिकम्स रावण, कृष्ण बिकम्स कंस। कृष्ण इसलिए कंस बनता है कि कृष्ण अपने शिवोम कहता है, शिव का साकार स्वरूप मैं ही हूँ, गीता का भगवान। जब मैं ही गीता का भगवान हूँ तो मैं ही पतितों को पावन बनाऊंगा। कृष्णा इज कॉल्ड कंस बिकॉज ही हिमसेल्फ कॉल्ड हिमसेल्फ द शिवा, आई विल प्यूरिफाई द इम्प्योर वंस। सो राम विल बिकम रावण, कृष्णा विल बिकम कंस because he will he think himself that he is Shiva. Shivoham is the first name.
So when he said Krishna becomes Kansa, it's not that he, like Ram becomes Ravan to end the dominance of the demonic souls. Yes, when it is said Krishna become Kansa, that means it is indicating that because he stayed in Shiva home, so he become Kansa, is it? वो अपने आप को शिवोहम समझते हैं इसीलिए वो कंस बनता है. हाँ जी, हाँ जी, yes. मैं ही पतितों को पावन बनाने वाला हूँ साकार में. आई एम द ओनली वन हु प्यूरिफाइज द इम्प्योर वन इन द कॉर्पोरियल फॉर्म. बैल शंकर को थोड़ी दिखाते हैं, मैं बैल में थोड़ी प्रवेश करता हूँ. मैं मनुष्य में प्रवेश करूंगा या बैल में प्रवेश करूंगा? I will not incarnate into the bull. I will not enter a bull. I will enter a human being. इसलिए मंदिर में शिवलिंग की जो नाली होती है उसके सामने बैल को दिखाते हैं. That's why in the temple, in front of the Shivling, Shivling means the Shiva's ling. Shiva's ling is there. Under that the nali. Nali means the drainage is shown. Yes. Bull is shown in front of drainage of Shivling. In front of bull is there. Bail ke samne. Haan. In front of bull, the drainage of the Shiva. Bail par Shankar ko sawar hona hai. Mane use control karna hai. Yaad ke bol se. The Shankar should ride the bull. But he has to control the bull through the power of yad. Remember. But still Shankar hasn't controlled permanently. फिर भी शंकर permanently उनको control नहीं कर सकते. Practice कर रहा है या remembrance की कि निरंतर याद है अभी. निरंतर याद हो जाएगी तो सवार हो जाएगा, high jump लगा देगा ना. He is practicing, he has not the continuous remembrance now. When he will got the continuous remembrance, then he will get high jump. So actually, Shri Baba cannot blame the children. Always Shri Baba said, have constant remembrance. When Shankar himself still hasn't got the constant remembrance. Shri Baba बच्चों को ये उलाना नहीं दे सकते कि निरंतर याद में रहो, निरंतर याद में रहो, क्योंकि शंकर ही जब निरंतर याद हैं. हाँ, शंकर ही जब निरंतर. शंकर बच्चा नहीं है. शंकर बच्चा नहीं है. शंकर is not the child. शंकर is also the child. Baba is saying शंकर is also the child. When he attains the same stage, then he becomes father. अगर वो जब वो शिव के साथ समान स्टेज करेंगे तभी वो तो सवारी कर लेगा बैल पर. देन ही विल राइड द बुल. यस, जो बैल जो है वो ब्रह्मा बाबा को बोला गया ना. बैल I don't have many questions. और questions नहीं है बोलते माता जी. और ज्यादा questions नहीं है मेरे इस बार. What about Leila? Have you got questions? Yes, my. You can ask one at such and such. वो ढूंढ रहे माता जी पूछने के लिए. She has got it as well. उनको भी नहीं. बाबा. हाँ. कौन नंबर वन सीता, नंबर टू सीता? नंबर वन सीता, सीता को नंबर वन डायरेक्शन दे दिया, तुम योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं असुरों का विनाश करता हूँ. नंबर वन सीता हैज गॉट द डायरेक्शन दैट यू रिमेन इन द योगाग्नि, मीन्स इन द फायर ऑफ रिमेम्बरेंस. That up to that time I will finish the demons. और नंबर दो सीता को डायरेक्शन दिया, तुम ये लीका का उल्लंघन नहीं करना. नंबर टू सीता हैज गॉट द डायरेक्शन दैट यू शुड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ श्रीमत, लेकिन वो श्रीमत का उल्लंघन कर देती है.
But she crossed the line of Srimad. She... impurity. That line is impurity. That is called impurity. She crossed the line of Srimad. That is, Srimad is impurity. Number one Sita is it? Called soul. Or number two Sita is called tattva. 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 Mm-hmm. Element. Just want to know, this one, who are referred as Shiv Shaktis? Is it the Vijayamala or the Rudramala or the mothers and sisters of the Rudramala? Shiv Shaktis. Shiv Shakti kisko kahenge? Vijayamala ko kahenge ya Rudramala ki behne aur mataen jo hain unko Shiv Shakti kahenge? Rudramala purushon ki mala hai. Rudra's rosary is the rosary of gems. Purushab Duryodhan Dushasana. And all the male souls, they are Duryodhan and Dushyasana. Duryodhan, Dushyasana. So Shiv Shakti is actually Vijayamala. वो पवित्र हैं इसलिए शिव की शक्ति हैं. They are pure. That's why they are Shiv Shakti. Purity है तो शिव शक्ति हैं. Impurity है तो मंदोदरी हैं. If they have purity, then they are Shiv Shakti, and they have impurity, then they are Mandodara. You are telling the Vijayamala, or the Rudramala, the mothers and sisters. Baba says, if you are pure means, that means the Vijayamala is pure means is Shiv Shakti. Baba is asking, is this Vijayamala ke liye bola ya Rudramala ke liye bola? Rudramala bhi Vijayamala mein add hoti hai, jab vikaron ko vijay prapt kar leti hai. Rudra's rosary, that will also mix with the Vijayamala's rosary. When Rudra's rosary, the souls will get a victory on the vices. They will get the victory on vices, they will add to the Vijayamala. And then they become Shiv Shakti as well, is it? Yes, they will also become the Shiv Shakti. So when they say Shiv Shakti, Panda, Sena, that means Rudramala and Vijayamala combined. शिव शक्ति पांडव सेना जब कहा जाता है तो रुद्रमाला और विजयमाला दोनों को मिला करके कहा है शिव नाम पहले पांडव नाम बाद में द नेम ऑफ शिवा इज फर्स्ट एंड द नेम ऑफ पांडव शक्ति नाम इज फर्स्ट पांडव सेकेंडरी पांडव सो व्हेन वी सी समटाइम्स इन भक्ति वी सी शक्ति ऑन लायन यू नो शक्ति सिटिंग ऑन लायन टाइगर सो दैट शक्ति कम फ्रॉम रुद्रमाला शक्ति को जो शेर पे सवारी दिखाया जाता है ना भक्ति मार्ग में तो वो शक्ति जो है वो रुद्रमाला से ही आती है ना कुछ नहीं शेर पर सवारी और बाघ पर सवारी दो प्रकार की सवारी दिखाई जाती है देवियों की डेटीज हैव शोन बोथ टाइप बोथ ऑन द लायन एंड ऑन द टाइगर They ride on both type of deities. They are shown. शेर पर सवारी वैष्णवी की और टाइगर पर सवारी जगदम्बा की. जगदम्बा ride on the tiger and the वैष्णवी ride on the lion. शेर. In VCD 462, it is said that Ram surrendered his body to Krishna. राम ने अपना शरीर जो है कृष्ण को सरेंडर किया जैसे बीसीडी 462 हर एक बाप अपने बच्चे के लिए अपने को सरेंडर कर देता है एवरी फादर सरेंडर्स देमसेल्फ सरेंडर हिमसेल्फ टू हिज चाइल्ड तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देता है सरेंडर्स एवरीथिंग बॉडी माइंड एंड वेल्थ सो व्हेन वी सरेंडर दैट मींस व्हेन राम सरेंडर राम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्णा इज इट राम ने सरेंडर किया मतलब राम राम शिव कृष्ण के कंट्रोल में आ गए ना फिर बच्चे माँ बाप के ऊपर विजय पाते हैं कर्मों पर
द चिल्ड्रन गेट तब माँ बाप को उनकी टट्टी पेशाब साफ करनी पड़ती है. When the children get victory on their parents, then the parents have to clean their Latin and etc. Their whatever. That. And then it is said in another CD, that the creator will never come under the control of creation. रचयिता और एक सीडी में बोला गया है कि रचयिता कभी रचना के कंट्रोल में नहीं आ सकता. हाँ, ये प्यार की बात है ना. इट इज द मैटर ऑफ लव. जब अगर झगड़ा होगा तो कंट्रोल में नहीं आएगा. अभी झगड़ा चल रहा है ना. इफ देयर विल बी वार देन इट विल नॉट कम अंडर द कंट्रोल बट इट इज द मैटर ऑफ लव. नाउ द वार इज गोइंग ऑन. That's why he's not in control. इसलिए धमकी देते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है. That's why it is threatened that children your father has come. प्यार में आके तो सर पे चढ़ा लेते हैं. In the love, he puts him on his head. That is because of love. Because of love. What are the five virtues of the deity? मैंने पांच गुण कौन से हैं देवताओं के देवी वर्चुस. मैंने आठ जो गुण है आठ गुण कौन से हैं देवताओं के. ढेर गुण है आठ क्यों है. नॉट ओनली एट सर्वगुण संपन्न. नॉट ओनली आठ गुण संपन्न थोड़े कहा जाता है. ढेर के ढेर गुण है जो बेसिक में आठ बताते हैं ना. हाँ काउंट कर दिया आठ. नहीं आठ है ना. अष्ट देवों के हिसाब से आठ है गुण बता दिए. According to Ashtadev, means according to first eight deities. So there are actually eight virtues. No, there are so many virtues. But according to eight deities, it is called, it is said that eight virtues. It is said Maya is almighty. Maya is said almighty. Yes. So for Maya to get that title, she gets it when she made Ram to fail in the beginning, is it? Ram to? She made Ram to fail in the beginning in 1936. You know, Ram, she said Ram failed. So that's why Maya got the title of Almighty, is it? माया सर्वशक्तिमान माया को कहा गया ना. माया को टाइटल मिला सर्वशक्तिमान का. तो 1936 में राम मैंने राम से वो मिले इसलिए माया मैंने माया के कारण ही राम फेल हुए. यही बात है ना कुछ. Means Maya met Ram. No, you see, how Maya got the title Almighty? Is it because Maya made Ram to fail? Maya के कारण ही राम फेल हुए ना. माया ही राम को फेल होने के निमित्त बनी ना. इसीलिए माया को सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला. फेल होने का कारण हुआ पूरा ज्ञान नहीं था. The reason to fail is that he has not full knowledge. पहले पूरी ज्ञान नहीं था. अभी ज्ञान पूरा खुल चुका है इसलिए राम के फेल होने का सवाल ही नहीं. एट दैट टाइम इन द बिगिनिंग दैट देयर वाज नॉट फुल नॉलेज. ड्रामा का पूरा ज्ञान नहीं था. फुल नॉलेज ऑफ ड्रामा. नाउ देयर इज द नॉलेज इज एलैबोरेटेड एंड इट इज कम. दैट्स व्हाई देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टू बिकम फेल नाउ. माया के कारण फेल नहीं हुआ. माया बिकॉज ऑफ माया ही इज नॉट फेल. राम इज नॉट फेल नॉट बिकॉज ऑफ माया. राम इज नॉट फेल्ड बिकॉज ऑफ माया. ही हैज नॉट फुल नॉलेज ऑफ ड्रामा. दैट्स व्हाई ही बिकेम फेल्ड एट दैट टाइम. बट इन नाउ द नॉलेज इज एलैबोरेटेड सो देर इज नो क्वेश्चन टू फेल. मैंने माया को सर्वशक्तिमान का टाइटल कैसे मिला. सर्वशक्तिमान का टाइटल इसीलिए कि युद्ध चल रहा है. लंबा युद्ध चलता है. बिकॉज द वार इज गोइंग ऑन.
and the war continues for long time. मैंने उनको कैसे मिला टाइटल पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं कि सर्वशक्तिमान कैसे करें? एक को छोड़ करके और बाकी सब को माया डिफीट दे देती है. Because वो एक भी डिफीट कहा लेता है शुरुआत में. द माया डिफीट्स रेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ओनली वन एंड द दैट वन आल्सो डिफीट्स इन द बिगिनिंग. माया किसी को छोड़ती नहीं है. माया डोंट लीव एनीवन. So Maya, you say Maya doesn't leave anyone, inclusive of Ram, is it? Maya doesn't leave Ram. Maya, no, Ram ko bhi nahi chhodti. Yeah, that's why I'm asking. सबसे पहला है तो राम के ऊपर ही होगा. Yeah, that's why I told Ram killed in the beginning. I told okay. Yes, Baba saying that first attack of Maya that is Maya is on Ram. इसलिए माता जी बोल रहे हैं कि इसलिए मैंने पूछा था कि माया जो है वो मैंने राम इसी कारण से राम फेल हुए ना पहले. पहले इसलिए नहीं फेल हुआ. पहले फेल हुआ कि शुरुआत में ज्ञान नहीं था. He failed in the beginning because he has not there is not so much knowledge in the beginning. So Maya attack everyone except one. माया सभी के ऊपर अटैक करती है केवल एक को छोड़ करके. हाँ 100% ज्ञानी है तो अटैक नहीं कर पाएगी. इफ समवन इज 100% नॉलेजफुल देन माया विल नॉट अटैक. अटैक करेगी लेकिन सफल नहीं होगी. लड़ाई चलती रहेगी. माया विल नॉट बिकम सक्सेसफुल इन द वार बिकॉज द वार विल गो ऑन बट इट अटैक्स बट नॉट बिकम सक्सेसफुल. In the beginning Ram failed but not because of Maya. But Maya's first attack was on Ram also. I want to know what's the difference between Ishwar and Bhagwan. What's the difference between Ishwar? Because in Hinduism we say Ishwar also Bhagwan. Bhagwan means Ishwar. Is there any difference? कोई अंतर है क्या ईश्वर और भगवान में? क्या अंतर है? क्योंकि बोलते हैं ना भक्ति में भी कि ईश्वर को ही भगवान बोलते हैं, भगवान को ही ईश्वर बोलते हैं. वान माने वाला, धनवान. वान वान मीन्स वीर्यवान, शौर्यवान, धनवान. धनवान मीन्स वन हु हैज वन हु हैज द प्रॉस्परस मीन्स मनी. And one means one who have, means if one has money more so much prosperous then he is called dhanvan. And viryavan means if one who has so much power then he is called shauryavan. That too, powerful. Aise hi bhagwan. In the same way it is called bhagwan. Bhag aa jata hai stri ke ling ko to जितने भगवान के पास स्त्री लिंग इकट्ठे हो जाते हैं इतने दुनिया में किसी के पास नहीं हो पाते. सो भग मीन्स द लिंग ऑफ द वुमेन. सो एज मेनी दैट लिंग्स विल गैदर ऑन टू द भगवान मीन्स टू गॉड दैट मच नो वन हैज सच मच भग्स. भग्स मीन्स दैट मच ऑफ लिंग्स. Got the point? उनको समझ में आया क्या? समझ में. It is said in a discussion CD 14 that Gita Mata is the first Pathik soul in the world. Gita Mata is the first Pathik soul in the world. Pathit Atma, pehli Pathit Atma hai is duniya ki Gita Mata. Aisa ek VCD number? Discussion CD 14. Vartalap, 14, 14 number ke Vartalap mein bola gaya. Gita Mata is the first Pathik soul in the world. गीता माता पहली पतित. गीता माता दो हो गई, एक झूठी गीता एक सच्ची गीता. कौन सी गीता की बात है? Because it's just written like that and so there are two types of गीता माता. दो टू गीता माता. वन हाँ
So, for which Gita Mata you are telling? Because I just want to ask this. It came like that in the CD. So, and then... Achha, CD mein aaya bol karke puch rahe hain, unko bhi pata hai. And then it is said, so with her becoming pati, everyone become pati. What? Now I said, Gita Mata is the first impure soul in the world. And then, with her becoming impure, everyone becomes impure. एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। So I just want to know how can she become the first impure soul when it is said that Shiva enters into the first impure lustful thorn? Because only Prajapita is the first impure lustful thorn and not Gita Mata never becomes the first impure soul. गीता माता तो पहली पतित आत्मा कैसे होगी जब ऐसा बोला गया है कि सबसे मैंने पहले जो सबसे पहले जो पतित बनते हैं वो प्रजापिता ही तो है ना, प्रजापिता के अंदर ही तो शिव प्रवेश करते हैं। मुसलमानों की कथा आती है कि एडम और ईव दोनों को खुदा ने जन्नत में भेजा। इन द मुस्लिम द स्टोरी कम्स मुस्लिम में भी और क्रिश्चियंस में भी। इन द क्रिश्चियंस ऑल्सो Adam and Eve both are sent to heaven. हाँ, तो वहाँ उनको restriction डाल दिया कि अगर तुम body का फल खाओगे तो तुम पतित हो जाओगे। There they have got the restriction that if you will eat the fruit of body then you will get impure. हाँ, तो Eve का मन विचलित हो गया। Eve's mind became shaken. और उसने बॉडी का फल खा लिया और दोनों भैंस से निकाल दिए गए। She has eaten the fruit of body and both of them had thrown away, read away from the heaven. यह स्टोरी बहुत प्रसिद्ध है। The story is very famous. Yeah, I know about the story. उनको पता है इसके बारे में। हाँ, तो जो जो आत्मा है, पुरुष है, उस को खींचने वाली जो है प्रकृति है। The soul प्रकृति माता है। Soul is the पुरुष male and the one who attracts that is प्रकृति the nature attracts the soul the male soul. Nature का दूसरा रूप जगदम्बा है। The second form of nature is जगदम्बा। So in that way she becomes the first impure soul, is it? Who? In that way Gita Mata becomes the first impure soul. इस तरह से मतलब गीता माता ही पहली पतित आत्मा हुई क्या पूछ रहे हैं? सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक झूठी गीता का अस्तित्व नहीं होता। There is not the existence of jhooti Gita, the false Gita. From Satyuga, from the beginning of the golden age to the end of the silver age. Merge होकर रहती है। It is in the merge form. जैसे in the merge form. जैसे धर्म पिताओं के आधार मूर्त और बीज रूप मर्ज होकर रहते हैं। As the धर्म पिता means the religious father souls. They are there, but they are in the merge form. In the golden age and in the silver age, the religious father souls, the seed souls, they are in the merge form. In the same way, the false Gita is also in the merge form, in the beginning of the golden age to the end of the silver age. जैसे द्वैतवादी युग शुरू होता है। As the to the age of the two types of copper age from the copper age starts. हाँ जी, द्वैतवादी युग शुरू होते ही दो हो जाती है पत्नियाँ। As the जगदम्बा भी पत्नी है, तो लक्ष्मी भी पत्नी है। जगदम्बा also is the wife and लक्ष्मी becomes also the wife. As the copper age starts up to the silver age, it is one and it divides into two. That means it becomes द्वैत. Okay. And दिति और अदिति. They are called and there are two wives. No, दिति and अदिति. What's the